वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। असल में बात यह है कि अगर एक बॉस अपने किसी नौकर के घर जाए और नौकर जो लंबे चौड़े दस्तरखान उसके आगे बिछाए तो बॉस क्या कहेगा, क्या कि मेरे ही दिता मैनू दे रहे, एक ही अड़ा कमाल कीता। तो कोई कोई वैल्यू बनने वाली नहीं है आप जितने मुर्ग मुसलम खिला दे, क्योंकि वो कहेंगे मेरा नौकर है, मेरी तनख्वाह, मेरे उस पर चल रहा अलाउंस पे, और जहां आप देख क्या खिला रहा है। तो कोई रोब पड़ने वाली बात नहीं, या तो आप बराबर की सतह पे होते तो आपके दस्तरखानों का रोब पड़ता। तो जो गैर मुल्की वफूद आते हैं उनको पता है साडा मकरूज है, हैं? और किसी ने कहा ना कि इंडिया चाहता है कि हम पाकिस्तान को तना कर दें, तो किसी मंचल ने कहा हमें हम तना हो ही नहीं सकते क्योंकि अद्धी दुनिया का कर्जा देना सी, सानू कौन छोड़ता है, हमें कोई नहीं छोड़ सकता। तो लिहाजा जो आ रहे हैं वफूद हम उनका मकरूज है भाई, हमारा बच्चा बच्चा मकरूज है, आप उनके सामने कॉन्स्टिट्यूशन दिखाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप अपनी हैसियत के मुताबिक चाय के पहले वो गिलास दिखाएंगे इससे वो इम्प्रेस होंगे, क्योंकि यार वाकई इन्होंने समझ लिया कि हकीकत क्या है। हमारी बिसात यही है, लिहाजा देखो हमें यह चाय का कप दे रहे हैं, क्योंकि अगर मुर्ग मुसलम भी बिछा दें तो हमारे पैसे के बिछाएंगे तो कौन सा कमाल किया। तो इम्प्रेस इस बात से होंगे, उस बात से नहीं है। लिहाजा ये कदम भी हुकूमत आबाद का बहुत अच्छा है और इससे जो है लुत्फ़ आया कौम को, और इंशाल्लाह इससे मुल्क आगे बढ़ेगा।